नमस्कार दोस्तों, विनय कोठावदे व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग जरा हटके है। मैं अभी हूँ सारंगखड़ा चेतक फेस्टिवल में। आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड, चेतक फेस्टिवल सारंगखेड़ा। और आज हम लोग ये पूरा फेस्टिवल हमने पूरा कवर किया हुआ है। उसके साथ अभी इस ब्लॉग में हम लोग यात्रा कवर करने वाले हैं, उसके साथ मंदिर का दर्शन करने वाले हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा सा डेकोरेशन किया हुआ है उन्होंने एंट्री पे ही। और ये चेतक फेस्टिवल का अच्छा सा बोर्ड बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखोगे आप तो पूरा अपने इन्होंने पूरा डिटेल दिया हुआ है, कौन सा प्रोग्राम कब कब होने वाला है। काफ़ी बड़ी यात्रा रहती है ये, पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी यात्रा में से एक यात्रा है। और फेस्टिवल तो बहुत बड़ा है यहाँ का, जो काफ़ी विश्व में ही प्रसिद्ध है। देख सकते हैं इसका ये बोर्ड, चेतक फेस्टिवल सारंगखेड़ा, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और यहाँ पे सारे डेट्स दिए हुए, किस डेट को क्या फंक्शन है, ये पूरा जो रेसिंग है, हॉर्स शो है, सारे डेट्स दिए हुए। 17 से 22 तारीख तक ये होने वाला है दिसंबर में। और इसके साथ 8 दिसंबर to 29 दिसंबर में भी काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स है, सो देख सकते हैं। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे ब्लॉग के, उसमें सारे चेतक फेस्टिवल के हमने ब्लॉग डाले हुए हैं। अभी यात्रा कवर करेंगे हम लोग, आइए। सो दोस्तों देखिए, प्रवेश द्वार भी देखिए कितना सुंदर बनाया गया है यहाँ पे। और जैसे आप एंट्री करते हो, यहाँ पे राइट साइड को एक अच्छा सा एग्जीबिशन लगाया हुआ है, जहाँ पे सारे चीज़ें बेचने के लिए लगाए हुए हैं। देख सकते हैं आप, कैप्स इतने अच्छी, बैग्स बहुत अच्छे हैं। ये जो मैडम हैं यहाँ से, नासिक से आए हुए हैं यहाँ पे, उनका सामान बेचने के लिए कैप्स बहुत अच्छे हैं उनके। देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी के कैप्स लाए हुए हैं, फ्रॉम नासिक आए हुए हैं वो। देख सकते हैं बाद में अगर आप यहाँ पे आगे जाओगे तो चॉकलेट्स भी है, आपको चॉकलेट्स आप ले सकते हैं। सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर, अचार है। सो ऐसा एक अच्छा सा एग्जीबिशन राइट साइड को आपको दिखने को मिलेगा। यात्रा रही तो ऑब्वियसली झूले, बच्चों के लिए खेलने के लिए सामान, दुकानें तो आती ही है। तो चलिए आइए मेरे साथ, मैं अभी आपको सैर कराता हूँ सारंगखेड़ा की मेले की। तो दोस्तों ये है सारंगखेड़े का प्रसिद्ध ऐसा एक मुखी दत्त का मंदिर। काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी अच्छा बनाया गया हुआ है, मेंटेन भी अच्छा किया हुआ है। ट्रस्टी जो है यहाँ के, वो काफ़ी अच्छा ख्याल रखते हैं उसका। सो
अभी हम लोग उसका देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे यात्रा के कारण। अभी हम लोग दर्शन करने वाले हैं अंदर से। गर्दी के कारण अच्छा वीडियो नहीं आया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भी दर्शन उसका हो, मूर्ति का, एक मुखी दत्ता मंदिर का। कितना सुंदर मूर्ति है देखिए यार, वो काफ़ी प्रसन्न लगता है। अंदर से भी बहुत अच्छा बनाया गया हुआ है। सो अभी हम लोग ट्रस्टी जो है मंदिर के, उनसे बातचीत करने वाले हैं और उनसे जानने वाले हैं कि क्या इतिहास है यात्रा का और क्या महत्व है यात्रा का। अभी हम लोग यहाँ पे जो विश्वस्त है मंदिर के विक्रम पाटिल सर, उनके ऑफिस में है। सर, हमने यात्रा का कवर किया, मंदिर देखा, बहुत बढ़िया नियोजन, और आपके अथक परिश्रम और आपकी टीम को बहुत धन्यवाद और आभार। सारे भारतीय लोगों से बहुत अच्छा मैनेजमेंट आपने किया है। कब से, क्या इतिहास है ये मंदिर का और कब से यात्रा हो रही है सर? धन्यवाद सर। 350 साल पुराना ये मेला होता है। ओके, तो ये मंदिर तब पहले छोटा सा था, उसके बाद ने सब भक्तजन मिल के उसको बड़ा किया है। मेरा मानभाव पंत जो है उसने श्री दत्ता से मारा, जो परमेश्वर अवतार माने जाते हैं उनके नाम से ये मेला बनता है। ओके, ये इसमें मेले की परंपरा है कि 300 साल इसको हो गए। सिर्फ लिखित तब लिखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, इसलिए वो लिखान उसमें हुआ 300 साल। ये दत्तात्रेय महाराज के परमेश्वर अवतार उठा है, उनके नाम से ये मेला पड़ता है। उसी टाइम से घोड़े के साथ उसी टाइम चलते थे, जबकि राजा महाराजा तीनों स्टेट के, जो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उनके भी जो घोड़े का लेन देन होता था यही पे जगह पे होता था। ये तापी नदी पास में होने के कारण यही आते थे सब व्यापारी, फिर यही वो राजा महाराजा आके अपने अपने घोड़े उनके लिए लगते थे और लेके जाते थे। वही परंपरा आज तक ऐसी चलती आ रही है। 300 साल पहले पुराना ये मेला है, और तब से चेतक का जो मार्केट है वो तब से है। और ये जो मैंने सुना है यहाँ पे गुरुदत्त जो मंदिर है हमारा, वो एक मुखी दत्त बोलते हैं, उसके बारे में बोलिए मुझे क्या। तो परमेश्वर अवतार जो है वो एक मुख के होते हैं, पर तीन मुख का जो ये प्रचलन हुआ है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी उनके साथ ऐसे उनके नाम जोड़े गए, जबकि श्री गुरुदत्त महाराज को उनकी परीक्षा ली गई थी, उनकी माता अनुसया माते की परीक्षा ली गई थी। उस वक्त जैसे तीनों माताएं थे, पार्वती अपने उनके बाद ब्रह्मा, उन्होंने अभी जाके कि भाई अनुसया माता का सत्व की परीक्षा लो, तो फिर तीनों देव वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ परीक्षा ली। उनकी परीक्षा लेने के कारण फिर उन्होंने ये रखी थी कि भाई हमको निवश्र होके हमको भोजन खिलाओ, तो अनुसया माता को ऐसा उन्होंने बोला। अनुसया माता बोले मैं तो पति होता थे वो, तो उसके हिसाब से फिर उन्होंने दत्तात्रेय महाराज उतने भी छोटे थे, फिर उनको भी बालक रूप में बनाया तीनों देवों को, फिर उनको खाना खिलाया। तो तीनों बालक होने के कारण फिर वो वहीं खेलने लग गए, तो फिर उनके उनको जब मालूम पड़ा कि फिर उनको माताओं से कि अपने अपने परमेश्वर नीचे है अपने देव, तो फिर वो आए नीचे, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो आपके आपके देव आप चुन के ले जाओ। बोले हम कैसे हाथ लगाए, कौन महेश है, कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है। तो फिर उन्होंने ये दत्तात्रेय महाराज की और प्रार्थना की कि आप आपका हमारे उनके रूप में दे दो। तो फिर उन्होंने उस वक्त से ऐसे माना जाता है कि पर तीनों अवतार तीनों देवों के संबंध हुआ था ना उधर दत्तात्रेय महाराज का, उस वक्त से ये तीन अवतार तीन मुख्य दत्तात्रेय महाराज ऐसा किया गया। तो ऐसा भारत में कितने मंदिर है? एक मुखी यहाँ पे है, फिर उसके बाद हमारे मनमाड़ के पास अगर जाएंगे आप वहाँ पे शिंगवा दत्ता शिंगवा करके वहाँ पे पंचालेश्वर में है। सो बहुत अच्छा नियोजन है, और मैं अपील करता हूँ जो दर्शकों को जो दो ये वीडियो देख रहे हैं, आप जरूर आइएगा यहाँ पे। और अच्छा नियोजन है, अच्छा मैनेजमेंट है, चेतक फेस्टिवल देखने जैसा है, मंदिर तो यही है, दर्शन तो होगा, लेकिन जो सारा मेला लगता है पूरा एक महीना लगता है ना, एक महीना सबसे बड़ा मेला लगने का शायद यही एक अवसर रहेगा। पर यहाँ पे जो चीज आप मांगोगे दिल से भगवान को, वो आपकी हर एक मनोकामना यही पूरी होगी। ये लाखों लोग आने का कारण ये होता है कि जो लोग अपने घर से कोई इस पे कुछ संकट आ गए, कुछ हो गया, कितने कुछ वैसे मान लेते कि महाराज हमारा संकट निवारण कर दो, हम आपको आके यहाँ पे हमारी मानता पूरी करेंगे। तो इसलिए लाखों लोग यहाँ पे आते हैं।
अपील करता हूँ, आइए दर्शन कीजिए। और सर पाटिल सर, आपने मुझे समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो कार्य कर रहे हैं, बहुत आपको इतना धन्यवाद करेंगे, इतना कम है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यानी लोगों को तो ये पहुँचेगा, ये मंदिर क्या है, उसका इतिहास क्या है और इसकी परंपरा क्या है और अपना चेतक फेस्टिवल क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने चेतक फेस्टिवल पूरा कवर किया हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, आप ज़रूर वो लिंक को क्लिक कीजिएगा और सारे वीडियो देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।